राजधानी दिल्ली में बदमाशों का खौफ, भरे बाजार में दिया लूट की वारदात को अंजाम, गन पॉइंट पर ज्वेलर्स की दुकान में लाखों की डकैती। एरिया यहाँ पे राम ये गली चलती है पूरी, और इसके बावजूद अगर कोई खौफ नहीं है पुलिस का, तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि यहाँ पे लोग बस रहे हैं, और यहाँ पे बाहर एक चौकी बूथ भी बना हुआ है पुलिस का कॉर्नर पे, उसके बावजूद अगर यहाँ पे ऐसे गुंडे आते हैं और एकदम ऐसे डटे लेके चलते हैं, गोली चला के जाते हैं, और रास्ते पैदल जा रहे हैं बड़े शौक से, जैसे कोई वारदात उन्होंने की नहीं है, तो ऐसे में धमकाना ये बड़े सोचने वाली बात है। ये है साउथ ईस्ट दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके की मार्केट, जहां बीती शाम लोगों से भरी मार्केट में राधे ज्वेलर्स नाम की दुकान पर आधा दर्जन नकाबपोश बदमाश घुस गए और दुकान के मालिक, कर्मचारी और यहां तक कि ग्राहक से मारपीट और तोड़फोड़ करके लाखों के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। बैठा हुआ था, उसका लड़के का फोन आया कि क्या नाम है, दुकान पे 5-7 लड़के आए हुए और कट्टे दिखा के मारामारी करके माल लुटा के ले गए। इस वारदात का फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक बदमाश रुमाल से अपना चेहरा छिपा रखा है और उसके हाथ में हथियार है। बताया जा रहा है कि 10 मिनट के अंदर सारे बदमाश वारदात को अंजाम देते हुए फायरिंग करते हुए वहां से निकल गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान करने में लगी हुई है, लेकिन इस वारदात से साफ हो गया है कि बदमाशों को दिल्ली पुलिस का कोई खौफ नहीं है। नवोदय टाइम्स के लिए आशुतोष कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली।